न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के बरेली में फतेहगंज पश्चिम पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब दो लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है कि पंजाब से यूपी के रास्ते अवैध शराब बिहार जानी है। इसी आधार पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया और हाईवे पर आते हुए एक ट्रक को रोकना चाहा तो ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति ट्रक को छोड़कर भागने लगा। पुलिस की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक की तलाशी ली, जिसमें करीब 95 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोग पंजाब के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर उन लोगों की तलाश कर रही है जिनको यह शराब भेजी जा रही थी। और थाना फतेहगंज पश्चिमी में एसपीआरए के नेतृत्व में एक प्रभावी कार्रवाई हुई है शराब स्मगलिंग पे, जिसमें 900 पेटी शराब जो अन्य प्रांत से लाई जा रही थी उसको बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 95 लाख रुपए के आसपास है। साथ ही साथ दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दोनों लोग लुधियाना के रहने वाले हैं। ये दोनों कैरियर्स हैं। ये माल जो है अन्य प्रांत जाना था, बिहार जाना था, क्योंकि वहाँ पे शराबबंदी है और काफ़ी महंगे दामों में ये कालाबाजारी शराब की ये लोग करते हैं। इस उद्देश्य से ये जा रही थी। ये दोनों कैरियर्स थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ इनकी पूछताछ में ये माल किसका था इसके बारे में भी जानकारी मिल गई है। आगे की कार्रवाई प्रचलित है।